वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। उम्मीद है ये दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और आपकी कुर्बानी कबूल हो, आमीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू बर्ड्स एंड बींग्स। ये जी एक कबूतर का बच्चा था, ये खरखर की आवाज़ कर रहा था, खरखर हो रहा था इसके गले को। तो जी इसी का ट्रीटमेंट करेंगे हम आज इंशाल्लाह, होपफुली ठीक हो जाएगा। तो आपने लेना पड़ेगा एलिनिजोलिड टैबलेट, ठीक है, 600 mg। ये जी सॉल्ट बता रहा हूँ इसका, लिनजोलिड, ये देखिए लिनजोलिड 600 mg, ठीक है, कुछ इस तरीके का। दूसरा ये है डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस, डॉक्सी 1L DR4, ठीक है, इसका सॉल्ट है डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल्स, ठीक है। ये कैप्सूल लाते हैं तो आपने ये भी लाने पड़ेंगे। ये देखिए ये खरखर कर रहा है, ये देखिए जी खरखर हो रहा है इसके गले का। तो आप ये डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल ले लें, ठीक है, इसको खोल दें आप। इसमें थोड़ी पाउडर सी दिखेगी आपको, ये देखें, एक सेकंड, ये थोड़ा क्लियर हो जाए, ये देखें छोटे छोटे ये दाने जैसे हैं इसमें। तो ये आपने एक कैप्सूल में 1/4 डालना है, एक कैप्सूल का 1/4 डालना है अपने कबूतर में, ठीक है, बहुत ही कम, 1/4, ये देखें, ये देखें जी 1/4 डालना है आपने, ये छोटे छोटे से। ये जी आप बच्चे को पकड़ लें, इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, इंशाल्लाह होपफुली ठीक हो जाए, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी इसके गले में, ये जी लिनिजोलिड, ठीक है, ये सॉल्ट में बता रहा हूँ लिनिजोलिड। अगर आपको ये नहीं मिला आप लिंकोमाइसिन भी डाल सकते हैं उसको। ये देखिए कुछ इस तरीके की टैबलेट आती है, 1/4 देना है आपने, ये देखिए जी 1/4 देना है आपने, एक टैबलेट के 4 हिस्से करने हैं, ठीक है, ये 1/4 हिस्सा देना है, थोड़ा कम ही दिया करें। इसको ऐसे ही दे रहे हैं हम, ये देखिए ये राय जी आप ये दिन में 2 बार देना है, सुबह और शाम को, 5 दिन तक, ठीक है। ये राय जी बच्चा, ये एक और चीज़ है सिप्रोहेप्टेडिन, ठीक है, सिप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका सॉल्ट है, ये एंटी हिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक दवाई। तो ये आपने इस कबूतर को दिन में एक बार देनी है, 1 ml, ठीक है, 1 ml आपने दिन में एक बार इस कबूतर को देनी है, और ये 5 दिन तक देनी है आपने, और इसके बगैर आपने फिर 5 दिन बाद कबूतर को लिवर टॉनिक और प्रोबायोटिक्स डारोलैक वगैरह भी देना है, ताकि उसका लिवर ठीक रहे और उसका पोटा भी ठीक रहे। अच्छा जी, ये है कबूतर 5 दिन के बाद, तो ये देखें आप, पहले जी इसका शौक कराते हैं थोड़ा, बच्चा है तो ये देखें जी इसकी आँख,
ये पर देखें, ये जी दूसरा साइड का पर, ये देखें जी, अब देखें इसका खर खर ठीक हो गया है, इसके गले में अब खर खर नहीं हो रहा, ये देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने भाई को दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।